देवी माँ की ओटी कैसे भरते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में आपकी सभी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं देवी दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। देवी माँ के ओटी भरने का महत्व आप सभी को पता होगा, क्योंकि वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। यह ओटी शास्त्रोक्त पद्धति से कैसी भरी जाती है, इस पर आज हम वार्तालाप करेंगे। किसी भी ईश्वर की उपासना श्रद्धा भक्ति भाव एवं मन से करना अत्यंत आवश्यक होता है। मन में भाव हो तो इच्छा के अनुसार सरल पद्धति से उपासना पूजा की जा सकती है, लेकिन इन सभी चीज़ों को शास्त्रोक्त पद्धति से करने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमारी परंपरा है। अर्थात शास्त्रोक्त विधि भी हम घर में ही बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसलिए केवल शास्त्रोक्त विधि कैसे की जाती है यह पता होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने घट स्थापना कैसे की जाती है उसके शास्त्रोक्त विधि की जानकारी का एक वीडियो कुछ दिन पूर्व अपलोड किया। उसे सभी ज्योतिष प्रेमियों ने बड़ा पसंद किया। आपके इस प्रतिसाद को देखकर हम आपके लिए नवरात्रि के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की शास्त्रीय जानकारी लेकर आए हैं। उसमें आज हम देवी माँ की ओटी कैसी बननी है इसके शास्त्रोक्त विधि को समझने वाले हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, उसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंच सके। हमारा देश बहुत विशाल है। इतने विशाल देश में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, इतनी कि गांव एवं तहसील बदलने पर भाषा, पोशाक, पसंद नापसंद, खाना जैसी कई चीज़ों में बड़ा बदलाव देखा जाता है। उस अनुसार आध्यात्मिक पद्धतियों में भी बड़ा बदलाव देखा जाता है। श्रद्धा भले ही एक हो लेकिन परंपराओं में अंतर होता है। अपनी अपनी कुल देवता के अनुसार विभिन्न प्रकार की परंपरा पूरे देश में देखी जा सकती है, लेकिन सत्य यह भी है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत बड़े बदलाव दिखाई नहीं देते। वे सौम्य होते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर एक जो सर्वसामान्य पद्धति होती है उसका हम विचार करेंगे। इसीलिए ओटी भरने का जो मूल उद्देश्य है उस अनुसार आज मैं आपको शास्त्रोक्त विधि बताने वाली हूँ। फिर आपकी कुल देवता कोई भी हो, आप किसी भी गांव जिले के रहवासी हो, इस शास्त्रोक्त विधि से आप देवी माँ की ओटी भर सकते हैं। ओटी भरते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह विधि अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव एवं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भरनी चाहिए। आनंद से, प्रसन्नता से ओटी भरनी चाहिए। अन्य दूसरा कुछ कर रहा हो उसका अधिक विचार ना करें। देवी माँ की ओर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रसन्नता एवं सौंदर्य, यह दो चीज़ें दिखाई देती है। यह दोनों चीज़ें ओटी द्वारा हमें माँ को देनी होती है। इसीलिए हम थोड़ा जागरूक रहकर ओटी भरते हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्रसन्नता एवं सौंदर्य की अनुभूति हो सकती है। उस अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओटी कैसी भरनी है। तो कुछ लोग हर पूर्णिमा को देवी की ओटी भरते हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से पंचमी, अष्टमी और नवमी के दिन ओटी भरी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। या घर में कोई मंगल कार्य होने पर भी देवी माँ की ओटी भरी जाती है। उस अनुसार ओटी भरने की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें हम सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें नवीनता ला सकते हैं। वह कैसे लाना है यह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आपको अवश्य करना है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य चीज़ें कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह विधि आनंद, प्रसन्नता, श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करना है। सबसे पहले हम ओटी भरने की मूल पद्धति को समझ लेते हैं। तो एक सुंदर सी साड़ी लेनी है। देवी माँ को लाल रंग सबसे अधिक प्रिय होता है। उसके बाद हरा एवं पीला रंग भी देवी माँ को पसंद आता है। अर्थात लाल रंग देवी माँ का सबसे अधिक प्रिय है। उसमें भी हम जब लाल रंग की साड़ी लेते हैं तो सूती या रेशमी होनी चाहिए। उसके पीछे एक शास्त्रीय कारण है कि सूती या रेशमी कपड़े में ग्रहण करने की क्षमता होती है, अर्थात सात्विक लहरें ग्रहण करने की क्षमता उस कपड़े में होती है, इसीलिए वही साड़ी लेनी चाहिए। नई साड़ी को जैसे रखे जाता है उसी प्रकार उसे रखना है, क्योंकि कई बार अकारण ही साड़ी को खोल कर गोल गोल कर रखी जाती है, जिस कारण उस साड़ी के सौंदर्य को बाधा पहुंचती है। इसलिए वैसा कुछ न करते हुए नई साड़ी को जैसे लाया है उसी प्रकार रखें। उस साड़ी पर आपको ब्लाउज पीस रखना है। उससे पहले आप साड़ी को चौकोन या त्रिकोण आकार में डिजाइन बना सकते हैं। यदि आप चौकोर में डिजाइन बनाते हैं तो उसके मध्य भाग में उसे रख सकते हैं और उसके आगे ओटी का सामान रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दिखने में भी अत्यंत सुंदर होता है। यदि आपको साड़ी से ओटी भरनी है तो आप ब्लाउज पीस लेकर उस पर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, वही उचित भी रहेगा। इतनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगे क्या करना है? तो सबसे पहले आवश्यक सभी सामान लें। उसमें मुख्य रूप से नारियल, चावल लेना है। उसके बाद पांच प्रकार के वाण, जिसे हम अखरोट, खारीक, बादाम, हलकुंड और सुपारी कह सकते हैं। उसके बाद खाने का पान लेना है। सभी आवश्यक चीज़ें आपको शुरुआत में ही बता रही हूँ, उसमें आप अन्य क्या कर सकते हैं यह मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन यह पांच प्रकार के वाण अत्यंत आवश्यक रहते हैं, इसीलिए उनका पूजा विधि में अवश्य उपयोग करें। उसके बाद साड़ी पर दाएं बाजू में खाने का पान रखें, उस पर एक पूजा की सुपारी रखें। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि बिना नारियल के ओटी पूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए नारियल को अवश्य लें। नारियल का ऊपरी भाग देवी माता की दिशा में रखें। उसके बाद मुट्ठी भर वाण ले। फिर पहली मुट्ठी में आप अखरोट ले सकते हैं, उसे ब्लाउज पीस पर रखें। उसके बाद मुट्ठी भर हलकुंड और चावल, उसके बाद सुपारी और चावल। इस पद्धति से सभी वाण ब्लाउज पीस पर रखें। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। उन चावल पर नारियल रखें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नारियल का ऊपरी भाग देवी की ओर करें, साथ ही उस नारियल पर पुनश्च एक बार चावल चढ़ाएं और उसके बाद हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। यह एक मुख्य रूप से आपको सदैव ध्यान में रखनी है कि प्रथम हल्दी चढ़ानी है और उसके बाद कुमकुम चढ़ाना है। आम लोग सदैव इसके विरुद्ध करते दिखाई देते हैं, वह पद्धति मूल रूप से गलत है, इसीलिए वैसा कतई न करें। बोलते हुए भी हम हल्दी कुमकुम ऐसा बोलते हैं, अर्थात हल्दी शब्द प्रथम आता है और उसके बाद कुमकुम शब्द आता है। कुमकुम हल्दी ऐसा हम नहीं बोलते, इसीलिए उन्हें चढ़ाते समय भी वही क्रम रखना चाहिए। उसके बाद नारियल पर फूलों के गजरे को गोलाकार बनाकर रखें, दिखने में सुंदर एवं आकर्षक दिखता है। आप इतना भी रखते हैं तो आपकी ओटी अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक होगी। उसकी ओर देख के आपको प्रसन्नता होगी। यह सब मुख्य चीज़ें हैं जो ओटी भरते समय आपको अवश्य करनी है। साथ ही दक्षिणा भी आवश्यक होती है, उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। इसके बाद ओटी के सौंदर्य को अधिक बढ़ाने के लिए आप
उसमें क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से 16 श्रृंगार, मंगलसूत्र, हल्दी कुमकुम, कंघी, आईना, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ रख सकते हैं। उसमें चूड़ियों का समावेश आप मुख्य चीज़ों में भी कर सकते हैं। विशेष रूप से साड़ी के अनुरूप हरे रंग की चूड़ियाँ देवी माता को चढ़ाई जाती है, तो इस प्रकार आपकी ओटी पूर्ण रूप से तैयार होती है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार मिठाई भी रख सकते हैं। प्रांत के अनुसार कितने भी कुलाचार क्यों न बदले, फिर भी यह जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वह अत्यंत मूलभूत है। संक्षेप में, इस पद्धति से आपकी ओटी तैयार होती है। उसे देवी माँ के सामने लेकर जाए, वहाँ रखने से पहले 3 बार थोड़ी ऊपर उठाकर पुनश्च नीचे रखें। उसके बाद ओटी की थाली वहाँ जो गुरुजी हैं या पुजारी होंगे उनके हाथ में दे, हाथ जोड़कर देवी माँ को नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी ओटी का स्वीकार कर, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद कई बार गुरुजी हमारी ओटी में से थोड़े चावल वापस देते हैं। उन्हें घर लाकर चावल के डिब्बे में रखने से शुभ प्रभाव मिलते हैं। गुरुजी यदि कोई फल देते हैं तो वह घर के सभी सदस्यों ने मिलकर खाना चाहिए। अर्थात ओटी में आपकी इच्छा के अनुसार आप 5 प्रकार के फल भी रख सकते हैं। संक्षेप में, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि यह सब करना ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है इसलिए तीव्र इच्छा होने के बाद भी लोग ओटी भर नहीं पाते। इसलिए जो मूलभूत चीज़ें बताई है उतना भी आप करते हो तो भी चलेगा। साथ ही देवी माँ का जो आप श्रद्धापूर्वक अर्पण करेंगे वह आपको पुनश्च वापस आएगा। वास्तव में वह बढ़कर आता है, इसलिए उस चीज़ों की आप चिंता न करें। संक्षेप में, अपनी इच्छा के अनुसार देवी माँ की ओटी भरिए। नवरात्रि में पंचमी, सप्तमी और अष्टमी या नवमी को आप ओटी भर सकते हैं। यहाँ हर पूर्णिमा माँ को भी कुछ महिलाएं ओटी भरती है, अर्थात संपूर्ण वर्ष में 12 बार ओटी भरी जाती है। देवी माँ के दर्शन के लिए जो जाते हैं वह न भूलते हुए ओटी भरते हैं। साथ ही कोई मनोकामना पूर्ण होने पर भी ओटी भरी जाती है, क्योंकि देवी माँ पर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा का फल भी देवी उन्हें अवश्य देती है। इस प्रकार देवी माँ की ओटी शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे भरी जाती है, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।